क्या? लाओ कुर्सी। अगर चेयर लेके कुर्सी क्या? लाओ। इंस्पेक्टर हटो, इंस्पेक्टर हटो साला वहां से। लगा दिया। बिठाओ उसको पहले। जल्दी जल्दी से लाओ यहाँ, जल्दी। हाँ मैं करती हूँ। ओके। जख्म है, गोली छूकर निकल गई है, लेकिन मैंने पट्टी कर दी है, सब ठीक हो जाएगा। मुस्कान, देखा हो, बोले कुछ नहीं हुआ, ये भी शायद गोली लगी छूकर निकल गई है। कुछ नहीं हुआ, गोली लगी थी छूकर चली गई। मैं पट्टी लगा दूँ। पट्टी बोलिए। ज्यादा चोट नहीं लगी, गोली छूकर चली गई, मैं पट्टी कर देता हूँ। आशिर, मुस्कान, मुस्कान आँखें खोलो। डॉक्टर क्या हुआ मुस्कान को? मुस्कान आँखें खोलो। ज़्यादा चोट नहीं लगी है। चुप रहिए आप। मुस्कान आँखें खोलो। मुस्कान। आशिर, मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान आँखें खोलो। लगा हुआ है। जो
देख रहे दूसरे को चले भैया जाओ गाड़ी में बैठो दोनों पीछे तुम जाओ वहां बैठो रौनक के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं और मुस्कान का मुस्कान को ये एक मौका मिला है जब वो प्रूव कर सके कि रौनक की कोई गलती नहीं है। रौनक ने हज़ार बार प्रूव कर लिया है ये मुस्कान के लिए, पर अब मुस्कान की बारी है। फाइनली उसको एक ये चांस मिला है कि वो रौनक को इनोसेंट प्रूव कर सके, जिसके लिए वो काजल को खोजने निकल पड़ती है। और जब वापस आती है तो वो ज़ख्मी है, घर पर दिखती है तो रौनक ज़ख्मी है, तो दोनों ने ही एक दूसरे के लिए दर्द और चोट सही है। अब देखना ये कि लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में, लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। तो मैंने जैसे कहा कि दोनों ने प्रूव किया है इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर तरह से कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। दोनों को रियलाइजेशन पहले होना बहुत ज़रूरी है, फिर जाके इजहार होगा। तो आई थिंक दोनों के ही पास ऐसे ऐसे वेल विशर्स है जो उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाते हैं। रौनक के तो दोस्त है ही, मुस्कान की मासिया है, तो देखना ये है कि वो लोग की बात सुनकर मुस्कान और रौनक कैसे अपने प्यार को पहचान पाते हैं और आगे बढ़ा पाते हैं। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया हुई कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।